जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग आने वाला है और मेरिट में नाम आ जाता है तो कुछ चीज़ों को सीख कर जाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। करीब मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आप इसे सीख कर जाते हो, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो मैं कहना चाहूँगा, स्किल्स अगर सीख कर जाते हो तो क्या होगा, आप ट्रेनिंग आराम से कम्प्लीट कर लोगे, किसी प्रकार का आपको कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को सीख कर नहीं जाते हो, अगर अपनी ज़िंदगी में इसको नहीं ढालते हो तो क्या होगा, ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहना कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं। और दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो, उससे क्या होगा आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो आपका जो भी मन का डाउट्स रहेगा। दोस्तों हमारी जो पहली स्किल्स है वो क्या है कि खुद से कपड़ा धोना। अब दोस्तों ये स्किल को मैंने क्यों रखा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग खुद से कपड़े नहीं धोते हैं। अब मान लो मम्मी पापा को दे दिए कि मम्मी को दे दिए कि मम्मी धो दो, या बहन को दे दो बहन कपड़े धो दो मेरा, तो क्या होता है हमें कभी भी कपड़े धोने की आदत नहीं होता है। या फिर क्या होता है हम वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े को धोते हैं तो क्या होता है हमारे हाथ से जो कभी हम पावर लगा कपड़े धोते नहीं हैं तो क्या होता है कि हमको आदत ही नहीं होता। लेकिन क्या होगा दोस्तों, अगर हमारा ज्वाइनिंग आ जाता है, आप ट्रेनिंग में चले जाते हो, तो फिर क्या होगा वहाँ पे आपको कपड़े धोना पड़ेगा खुद से। ठीक है, वहाँ पे आप कपड़े मान लो खुद से ट्रेनिंग में धोते हो तो क्या होगा भैया, आपने कभी धोया बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा कि भैया हम कपड़ा धोते रहते हैं काफ हम धो लेते हैं। तो भैया आपको क्या करना है, पहले ही कपड़े धोने की प्रैक्टिस करना है। अब ये नहीं बोल रहे कि भैया अपना कंबल और रजाई सब ये सब लेके बैठ जाना, खुद के कपड़े धो लो इतना ही काफ़ी रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला स्किल रहेगा वो क्या है, स्विमिंग करना। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बहुत लोगों को स्विमिंग करना आता है, स्विमिंग करना मतलब वही तैरना। ठीक है, तो तैरना बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता। और आपको पता होगा दोस्तों कि डिफेंस के जॉब में आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको स्विमिंग करवाया जाता है। ठीक है, और मान लो कि स्विमिंग अगर आपको करना आता है तो कोई भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आता हो तो वहाँ बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आपको वहीं पर सीखना है। अब बहुत बंदे जाते हैं, अब तैरने नहीं आता तो वो लोग जो कमांडर होते हैं वो लोग भी क्या करेंगे, आपको पानी के अंदर डुबा देंगे, डूब साला तुम सीख के नहीं आया, फला तैरने नहीं आता इतना बड़ा हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, आप तुमको लगेगा कि भैया हम ट्रेनिंग से भाग गया, हम कहाँ आ गए यहाँ पर। अब वही लड़के लोग क्या होता है ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी ऐसा साथी हो जिसको अच्छा तैरने आता है, आप उसे बोल सकते हो कि भैया मुझे तैरना सिखा दो जो मेरे ट्रेनिंग में हमको कोई तकलीफ ना हो। तो अगर आपको तैरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है दोस्तों तो आप पीछे को सीख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किसको किसको तैरना आता है। ठीक है, देखते हैं किसको किसको तैरना आता है। अगला जो हमारा स्किल है वो है खाना बनाना। अब बहुत लोग बोलते हैं भैया हमको खाना बनाना तो आता ही है। ठीक है, अब ये बात है कि जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता, अब खाना बनाना मतलब ये नहीं कि भैया आप पूरा मास्टर शेफ बन जाओ, ठीक है एकदम पूरा खतरनाक वाला डिश बनाओ, ऐसा नहीं। आप नॉर्मल रोटी सब्जी, ठीक है दाल चावल, ये सब बनाना सीख जाओ। अब बोलो मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता दूँ दोस्तों कि ट्रेनिंग के दौरान में क्या होता है कि आपको बहुत ऐसे मिशन में जाते हो तो आपको जंगल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो खुद से खाना बनाना है, खुद से ही खाना है वहाँ हो गया। साथ ही साथ दोस्तों ट्रेनिंग में आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला, मान लो आपको अच्छा रोटी बनाने आता है, ठीक है तो यहाँ पर बोलेंगे कि अरे मेफ में 5 बंदे को भेज दो, क्योंकि देखिए आप अगर ट्रेनिंग में जाओगे तो कम कम एक बच्चा तो रहेगा नहीं, वहाँ 2-4 बच्चे आ जाते हैं। तो ट्रेनिंग में से ही क्या करते हैं 5-6 बंदे को ऐसे उठा लेते हैं, ओए कोई मेफ कौन जाएगा मेफ में, कौन मेफ में जाएगा रोटी बनाने के लिए। तो भाई अगर आपको ट्रेनिंग से हल्का सा बचना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो, तो बोल सकते हैं सारा मुझे बनाने आता है रोटी। आप वहाँ पर जाओगे, आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आधा घंटा एक घंटा दो घंटा का रेस्ट मिल जाएगा। तो क्या होगा आपका एक स्किल की वजह से आपको रेस्ट भी मिलेगा और आपका ट्रेनिंग में आपको मजा भी आएगा, ट्रेनिंग आराम से आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये स्किल को सीख के जाना बहुत जरूरी है। तो कमेंट करो किसको किसको रोटी बनाने आता है, खाना बनाना आता है। दोस्तों आपका जो अगला स्किल होना चाहिए वो है आपका 4-व्हीलर ड्राइविंग, या फिर आपका ट्रक, या फिर कोई भी अगर बड़ी गाड़ी चला सकते हैं उसका स्किल सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों दोस्तों बता दूं कि क्या होता है कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान में, कि मान लीजिए आपको मार्केट जाना है सब्जी लाने के लिए, ठीक है तो भैया अरे अगर आपको किसको आता है गाड़ी चलाने के लिए साहब हमको मुझे आता है, तो वहाँ पे क्या होगा आपको ब्रेक मिलेगा दोस्तों, ब्रेक मिलेगा। फातिब आपको वहाँ क्या है आप ट्रेनिंग से छूटने को मिलेगा कि भैया चलो हम मार्केट चलते हैं, यहाँ जाते हैं। मेरे मामा जी जो है FFB में है, उनका क्या है देखो वो फोल्जर बन के ही गए थे, फोल्जर में गए लेकिन उनके 4-व्हीलर चलाने आता था। तो आज के डेट पे क्या वो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है डिफेंस के अंदर में ही FFB के अंदर ही वो गाड़ी चला रहे थे। तो क्यों हुआ वो, क्यों आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल था तभी ना हुआ। तो आप एक एक्स्ट्रा स्किल सीख के जाओगे तो ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको क्या देखो, अब देखो सब आदमी नहीं चाहता कि मैं जाऊँ बॉर्डर पर लड़ूँ, अरे यार लड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल रहेगा दोस्तों तो वहाँ पर आप बच सकते हो, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं उसमें आप रहोगे, लेकिन क्या आप जरा सा बचे हुए रहेगा। तो यार इस चीज़ को सीख के जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगला जो आपको
एक्टिविटी करना है खुद के लिए, वो क्या करना है, अपने बाजुओं को मजबूत बनाना है। फाती फाता चाहो इसको मजबूत बनाने के लिए आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर बहुत अच्छा है, मेरा कट ऑफ है 2-3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है और मेरा ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा, तो बता दो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें जिम ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बताऊँ जिम ज्वाइन करने में क्यों बोल रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो बहुत लोगों का हाथ में पावर नहीं होता है। मान लो आपको बोल दिया जाए कि भैया आपको पता आपको डिप्स मारना, तो आप पता आप डिप्स नहीं मार पाओगे तो वहाँ ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। तो अपने हाथ को इतना मजबूत कर लो, अपने पैर को इतना मजबूत कर लो, जरा अपना फोल्डर वगैरह बना लो, उससे क्या होगा ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको पता होगा कि रस्सी चढ़ना पड़ता है, अब आपके बाजू में अगर ताकत ही नहीं रहेगा तो आप रस्सी कैसे चढ़ पाओगे, तो ट्रेनिंग में तकलीफ होगा। अब ट्रेनिंग में रोने पर अच्छा भैया आप पहले ही रो लो, अगर आज आप रो लोगे तो कल आपको खुशी होगा, अरे यार मेरे हाथ में बहुत पावर है, आप फटाफट चढ़ जाओगे। तो इस स्किल को सीखना और जिम वगैरह करना अभी कर लो, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम करो कि पूरा हैवी वेट लेकर मारने लगना कि एकदम पूरा अभी बाहुबली बन जाऊँगा, तो वो नहीं करना, नॉर्मली करना। अब अपने पैरों को, अपने हाथ को, अपने पूरा अपर बॉडी को, लोअर बॉडी को मजबूत करना है दोस्तों हमारा जो अगला स्किल है बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग क्या है कि इस स्किल को नहीं करते, वो क्या है, कपड़ा आयरन करना। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा ट्रैक सूट वगैरह पहनते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कपड़ा पहनते ही नहीं जो आयरन करा जाता है, ठीक है, आयरन करने की जरूरत ही नहीं होता, क्योंकि इस कपड़े के अंदर क्या होता है, अगर आप आयरन करोगे तो क्या होगा, ये जल जाएगा, ठीक है, तो हमें आदत नहीं होता। लेकिन क्या होगा दोस्तों, डिफेंस के जब अगर जॉब करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो वर्दी होती है, वर्दी को खुद से आयरन करना पड़ेगा आपको। अगर आपको वो नहीं करना आएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। अब मान लो आपको, आप बोलोगे भैया हाँ तो मेरे कोई दोस्ती तो मिल ही जाएगा, तो भैया ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि भैया अगर आपका अगला पार्टनर है वो भी तो थका हुआ है ना, उसको भी तो भाई एनर्जी नहीं फिर बॉडी में, तो वो बोलेगा भैया हम अपना कपड़ा करेंगे, तेरा क्यों कर देंगे। तो अगर आप स्किल को सीख के जाओगे तो क्या कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से आप जाकर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको आयरन के साथ में दोस्तों बहुत लोगों क्या होता है सुइया धागा चलाने नहीं आता, जो कपड़े नहीं फील पाते हैं, तो वो भी सीख के जाओ। क्यों करना है, कभी क्या होता है दोस्तों, जब ट्रेनिंग में आप जाओगे तो देखना आपका एक आएगा कि क्या क्या आपको लेकर जाना, उसमें दिया रहता है कि आपको सुइया धागा वगैरह लेकर जाना। क्यों जाना है कि ट्रेनिंग के दौरान में क्या होता है कि मान लो आप वर्दी पहन दो, आपका बटन टूट गया, तो वहाँ पर तो मम्मी रहेगी नहीं जो आपको कपड़े सी देगी, तो वहाँ पर क्या करना, खुद से सीना। तो कम से कम एटलीस्ट आपको बटन लगाना तो आना ही चाहिए कि हाँ भैया बटन टूट गया, बटन हम लगा लेते हैं। तो ये स्किल को सीख के जाना भी ज़रूरी है। तो बताओ मुझे कि इसमें से आपको कौन सा काम करना आता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इस सारे स्किल को सीख कर जाते हो तो ट्रेनिंग में बता दूं 100% गारंटी ले सकता हूं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आप हफ्ते हफ्ते खुशी मन से आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कौन सा स्किल आता है आप कमेंट करके बताओ, आपको क्या स्विमिंग करना आता है नहीं आता है, गाड़ी चलाने आता है नहीं आता है, कमेंट करो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो कहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।